मिलीफोलियम सेमनमनेम येलो फैमिली ऑफ फजीडी डिस्ट्रीब्यूशन एशिया नॉर्थ अफ्रीका इंडिया पार्ट यूज होल्ड प्लांट ब्रेड प्रिपरेशन अंडर क्लास वन फिजिकल जेंडर एलिमेंट फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग ओवर एक्जर्शन और फॉल। अगर पेशेंट ओवरलिफ्टिंग कर रहा है बहुत ज्यादा वजन सामान उठा रहे हैं या गिर गया है चोट लग गया है परिश्रम कर रहा है उसके बाद होने वाले रोग। हेमरेजेस पेनलेस विदाउट फीवर ब्राइट रेड टूट ब्लड एपोनाइटिपिका एंड सेबाडिला फ्रॉम द लंग्स ब्रोंकी लैरिंग्स माउथ नोज स्टोमेक ब्लैडर रेक्टम यूटेरस ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन और बॉन्ड्स रक्तस्राव दर्द के साथ बिना दर्द का चमकीला लाल तो वाटरी डिस्चार्ज देन यू थिंक द मिलीफोलियम। इसमें पेनलेस होगा है जो भी ब्लीडिंग होगा ड्यू टू पेनलेस वुंड विच ब्लीड प्रोफ्यूजली थोड़ा सा भी चोट लगे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन जब गिर जाने के बाद चोट लगने के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रहे देन यू थिंक द मिलीफोलियम। हेड वर्टिगो व्हेन मूविंग स्लोली जब धीरे धीरे चलता है तो वर्टिगो होता है जब जोर से चलता है तो वर्टिगो ठीक हो जाता है। ये बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है वर्टिगो व्हेन मूविंग स्लोली बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज या बहुत जोर से कुछ चीज काम कर रहा है तो इसे चक्कर नहीं आएगा। फीमेल रिप्रोडक्शन पेनलेस ड्रेनेज फ्रॉम नोज लंग्स यूटेरस आफ्टर लेबर और अबॉर्शन आफ्टर ग्रेट एक्जर्शन आफ्टर मिसकैरेज प्रिवेंटिव इन पोस्ट पार्टम हेमरेज। अपने डिलीवरी के बाद में भी बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है कहीं से भी हो रहा है ब्लीडिंग फेफड़े नाक बिना दर्द के पेनलेस होना चाहिए। मेंसेस अर्ली प्रोफ्यूज प्रोटेक्ट सप्रेस्ड एंड कोलिक पेन इन एब्डोमेन मेंस बहुत जल्दी जल्दी होता है अधिक देर तक लंबे समय तक होता रहता है पेट में दर्द के साथ में मेंस अगर हैवी डिस्चार्ज हो रहा है देन यू थिंक द मिलीफोलियम। ल्यूकेरिया ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एटोनिक बच्चों का ल्यूकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट मिलीफोलियम देयर आर ओनली टू ड्रग्स ओनली इसमें ज्यादा बच्चों का अगर हो रहा है तो इसमें ज्यादा ये करने का दरकार नहीं मिलीफोलियम ठीक अदरवाइज कैल्शियम कार्बोनेट। हेमोप्टिसी आफ्टर इंजुरी इंसिपिटेंट पैथिस इन हेमोरेजिकल पेशेंट फ्रॉम ए रप्चर्ड ब्लड वेसल ब्लड वेसल रप्चर फट जाने के कारण अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और टीबी वगैरह में भी काफी ब्लीडिंग होता है देन यू थिंक दी मिलीफोलियम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ विथ राइजिंग ब्राइट ब्लड इन सप्रेस्ड मेंसेस और हेमोरेज विथ ऑपरेशन एंड पैल्पिटेशन आफ्टर फॉल डाउन फ्रॉम हाइट ऊपर से नीचे अगर गिर गया है आर्निका इज ऑल्सो देयर मेडिसिन आफ्टर वायलेंट एक्जर्शन विद ब्लड डेली एट 4 PM उसका 4 बजे के शाम को ब्लीडिंग होना लैक्पोडियम एंड मिलीफोलियम में ही है दो ही मेडिसिन से है। रिलेशन कंपेयर ईस्चियम Syphilis and hemoptysis, blood bright red. Follow well after aconite and arnica in hemorrhages. What is our principal use of this remedy? हम इस remedy को कहाँ पर use करेंगे? In hemorrhage from any part of the body of bright red blood and occurring after mechanical injury, occurring after mechanical injury. ये याद रखना है. Hemoptysis, epistaxis और हेमरेजेस फ्रॉम दी यूटेरस एंड बॉयल्स अगर कॉज नहीं है रखोगे याद तो कैसे भी ब्लीडिंग में दोगे नहीं काम करेगा पहले ब्लीडिंग समझ में आता है पहले हेमोमेलिसिस समझ में आता है लेकिन मिलीफोलियम तब देना है जब चोट लगने के बाद में ब्लीडिंग हो रहा है काफी बंदिंग हो रहा है इसके एक ही फैक्टर अगर याद रखोगे हेमरेज आफ्टर इंजुरी आफ्टर। हाउ डज डिफर फ्रॉम द एकोनाइट हियर एकोनाइट में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है सडन होता है लेकिन एकोनाइट हैज एंजाइटिस एंड मिलीफोलियम इज नॉट इससे समझ में आ जाएगा कि हमको एकोनाइट देना है कि ये देना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इरिड्यूरम अनदर मेंबर ऑफ
The same formula is the hemorrhage. The hemorrhage is of bright red blood and is increased by every motion of the patient. Every motion में उसको अगर ब्लीडिंग हो रहा है, then you think is the erosion. Hemorrhage calling for pseudomonium. Pseudomonium कब देता है hemorrhage में? Profuse hemorrhage from a strain or mixture. Tendency hemorrhage frequent attacks of nose bleed. बार बार नोज ब्लीड हो रहा है तब यू थिंक दी सिनामोनियम. व्हाट इज दी हेमरेज ऑफ ट्रिलियम पेंडुलम? एक्टिव और पैसिव थ्रेटेंड एबॉर्शन विथ ए गश ऑफ ब्लड ऑन ईच मूवमेंट. एवरी मूवमेंट में उसको ब्लड जाएगा. विथ ए सेंसेशन इज इट दी हिप्स एंड बैक वी आर फॉलिंग अपार्ट. हिप्स और बैक नीचे गिरे हुए जा रहा है. रिलीव बाय द बैंडेजिंग ऑफ द हिप. इसको टाइट से अगर बांध देते हैं तो उसका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा हिप में. व्हाट टू रिमेम्बर? हेमरेजेस, प्रोफ्यूज ब्राइट रेड, पेनलेस, स्पेशली फ्रॉम इंजुरी, विदाउट फीवर, विदाउट एंजाइटी, विदाउट नोशिया. देखो मिली पोलम का हो गया विदाउट इन फीवर, विदाउट एंजाइटी, विदाउट नोशिया. एलिमेंट फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, ओवर एग्जर्शन और फॉल. एलिमेंट फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, ओवर एग्जर्शन और फॉल. कफ फ्रॉम सेपरेशन ऑफ मेंसेस ऑफ हेमोरेज. कफ फ्रॉम सेपरेशन ऑफ मेंसेस, मेंस अगर बंद हो गया उसको खांसी हो रहा है तो आपको ब्रैंजा हिपरसेप्शन नहीं सोचना है. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.